नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है गड़बड़ी की आशंका पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इसके पहले बैलेट पेपर और मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा जहां चुनाव अधिकारियों पर कांग्रेस के पिट्ठू के रूप में काम करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनाव हार रही है इसलिए उनके नेता पट कथा लिख रहे हैं। देखिए इस पर खास रिपोर्ट और खास मेहमानों के साथ आगे इसी पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में काउंटिंग से पहले सियासी किचकिच, गड़बड़ी की आशंका पर भारी पॉलिटिक्स। जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उसके पहले बैलेट पेपर और मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर सियासी पारा अपने शबाब पर है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी चुनाव अधिकारियों पर कांग्रेस के पिट्ठू के रूप में काम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनाव हार रही है इसलिए उनके नेता अपनी पटकथा लिख रहे हैं। दरअसल सूबे में विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश के बाद भी कुछ जगहों से अलग अलग तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही हैं। मनेंद्रगढ़ से आई शिकायत में कहा गया है कि पोस्टल बैलेट जिन्हें स्ट्रांग रूम में होना था वह ट्रेजरी में रखे गए हैं। इसी तरह बीजापुर में ईवीएम को लेकर शिकायत की गई है। वहीं राजनांदगांव में भाजपा नेताओं ने बैलेट पेपर द्वारा हुए मतदान की मत पेटियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने और मत पेटियों को स्ट्रांग रूम में रखे जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पूरे मामले में हेराफेरी की संभावनाएं भी व्यक्त की गई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बालाघाट में बैलेट पेपर से हुई छेड़छाड़ के मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मतगणना में गड़बड़ी करना भाजपा का चरित्र रहा है। मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया, भाजपा चुनाव हार रही है इसलिए उनके नेता पट कथा लिख रहे हैं और हारने के बाद कहेंगे मतगणना में गड़बड़ी हुई है। उनके नेता तमाम तरीके की पटकथा लिख रहे हैं कि हारने के बाद जनता को क्या क्या बहाने बताना है, लोगों में मीडिया को क्या क्या बहाने बताना है। कभी बताएंगे कि चुनाव प्रचार थमने के बाद भूपेश बघेल ने रैली निकाली, एक हफ्ते बाद उनको याद आता है। कभी बताएंगे कि स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी हो रही है, कभी किसी कलेक्टर के खिलाफ शिकायत करेंगे, कभी निर्वाचन आयोग के खिलाफ शिकायत करेंगे। यह इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार। मतगणना और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर शिकायत और कांग्रेस के तंज के मसले पर बीजेपी प्रवक्ता पूर्व विधायक श्रीचंद्र सुंदरानी ने कहा कि भाजपा कभी भी मतगणना में गड़बड़ी नहीं करती। भाजपा ने चुनाव अधिकारियों से कई शिकायतें की, लेकिन अधिकारी भूपेश बघेल सरकार के पिट्ठू बनकर काम कर रहे इसलिए कार्रवाई नहीं की। हमने बहुत सारी शिकायतें चुनाव आयोग से की। चुनाव आयोग कहीं न कहीं यहाँ के जिला जो प्रदेश का जो प्रशासन है, कांग्रेस पार्टी के सरकार का प्रशासन है, वो उनके सामने कार्रवाई नहीं हो पाई, वो लोग नहीं कार्रवाई किए। चुनाव आयोग को शिकायत करने के बाद भी निर्णय जिन अधिकारियों को लेना था वे कहीं न कहीं भूपेश बघेल के पिट्ठू बनकर काम कर रहे हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होना है, उसके पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप और मतगणना में गड़बड़ी की आशंका का दौर जारी है। इन आशंकाओं के बीच अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग कितना पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से मतगणना कर राजनीतिक दलों को संतुष्ट कर पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखिए आपने और बीजेपी कांग्रेस के बयान भी सुने, अब आगे इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, अजय गंगवानी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता सुनील चौधरी जी है, बीजेपी नेता और पीसी रथ जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलेंगे अजय गंगवानी जी के पास। अजय गंगवानी जी, श्री चंद्र सुंदरानी जी कह रहे हैं बीजेपी के कि भूपेश बघेल के पिट्ठू हैं चुनाव अधिकारी, उनके इशारों पर ही सब काम हो रहा है। देखिए कविता जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जी कविता जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। शीचन सुंदर जी के बयान को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि 3 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी पुनः 3/4 बहुमत सरकार बनाएगी और ये बौखलाहट जो घबराहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिख रही है, तो ये हार का जो ठीकरा है वो अधिकारियों को फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले भी चुनाव में शिकायत करने का प्रयास, तो ये कहीं ना कहीं अपनी बहानेबाजी, अपनी हार का ठीकरा एक संवैधानिक संस्था पे थोपने का प्रयास पहले भी कर चुके हैं।
लेकिन एक चीज और स्पष्ट कर दूं कविता जी, मतदान को सीधे प्रभावित करना, ईवीएम में छेड़छाड़ करना, लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार की डकैती और चोरी करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। इसके पहले भी कविता जी हमने देखा, चाहे महाराष्ट्र की बात करूं, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक और अन्य जगहों पर लगातार हॉर्स ट्रेडिंग ऑपरेशन लोटस के माध्यम से लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार की डकैती करने का प्रयास किया गया। देखिए दूसरा स्पष्ट यह है कि मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। आपके चैनल पे अन्य में लगातार जो मैंने देखा कि बालाघाट में जो पोस्टल बैलेट थे आज उसमें सीधा गड़बड़ी की गई, कलेक्टर ने समय से पहले उसको खोला गया। लेकिन मेरे तीन छोटे से प्रश्न है पूरी घटना के पीछे। सबसे पहले 3 बजे डिसाइड किया गया था कि पोस्टल बैलेट की रिकॉर्ड उसके लिए सेटिंग के लिए 3 बजे का टाइम था, आखिर 1:30 बजे किसके इशारे पर जो पोस्टल बैलेट पे जो स्ट्रॉन्ग रूम था उसका ताला खोला गया, पहली बात। दूसरा, जितने भी प्रत्याशी थे उनको इसकी सेटिंग की कोई सूचना नहीं गई। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, शरद बिसेन जो वहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके क्लोज रिश्तेदार हैं, उसकी जानबूझकर चुनाव में ड्यूटी लगाएगी ताकि मतदान को प्रभावित किया जा सके। और लगातार हमारे वहां जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह, वहां के जो मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैस, उसके लगातार आरोप करें, 6-6 महीने करके 2 बार आप कार्यकाल बढ़ा चुके, तो अधिकारियों का दुरुपयोग करना, मतदान को प्रभावित करना, ईवीएम से छेड़छाड़ करना, लोकतंत्र की हत्या करना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, ये उनका चरित्र है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी, जो खुद ये वादा खिलाफी करते हैं, जो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, अधिकारियों का मिसयूज करते हैं, उनको सब कुछ ऐसी लगेगा। कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को चुनाव हारने वाले हैं, उसके बहाने का बहाना बना रहे हैं, उसकी पटकथा लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो केंद्र की मोदी सरकार है, जो मोदी अमित शाह की डंडा है, उससे बचने का प्रयास है। ठीक है सुनील चौधरी जी, आपने सुना कि अजय गंगवानी जी ने क्या कुछ कहा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है इसलिए जनता को सुनाने के लिए पटकथा लिख रही है। और सुशील आनंद शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि मतगणना में गड़बड़ी करना भाजपा का चरित्र है। जी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए कांग्रेस का क्या चरित्र है ये इस देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जब सम्माननीय आज जो इंदिरा कांग्रेस है, इंदिरा जी का निर्वाचन रद्द कर दिया गया, तो इस देश को आपातकाल देखना पड़ा, जो इस देश का सबसे बड़ा काला अध्याय है, जिसमें आप जैसे पत्रकारों पर भी बैन लगा दिया गया था, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। तो ये इंदिरा कांग्रेस जो है इनकी स्थिति ऐसे ही है। और मैं आगे और आपको बताना चाहता हूं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी आगे बढ़े। 15 तारीख को चुनाव का प्रचार समाप्त, उसके बाद 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सभी अधिकारियों के संरक्षण में और पूरे सुरक्षा कर्मियों के साथ ढोल बाजे के साथ लोकतंत्र की हत्या करने निकले थे, चुनाव का प्रचार कर रहे थे। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या का और उदाहरण क्या होगा। और जब 16 तारीख को यह हुआ, 17 को मतदान था, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनके खिलाफ जाकर के मतदान किया है। ये लगातार संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं, संवैधानिक संस्था के कार्यालय के बाहर जाकर 15-15 दिन तक डीजे बजाना, ये किस संवैधानिक संस्था की बात करते हैं। ये सीआरपीएफ जैसे जो हमारे सुरक्षा बल है उनको कहते हैं। सुनील चौधरी जी बीजेपी कह रही है, सुनील चौधरी जी बीजेपी जो है कह रही है, कैसी बात कर रहे थे ये लोग कि जो चुनाव अधिकारी हैं वो भूपेश सरकार के पिट्ठू के रूप में कार्य कर रही है, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है आप लोगों को, क्या कुछ इसका प्रमाण है? देख बिल्कुल बिल्कुल प्रमाण है। एक तो मुख्यमंत्री जी का आप देख लेंगे कि उनका 16 तारीख को जब उनकी रैली हो गई तो उसके खिलाफ शिकायत हुई, क्या कार्रवाई हुई, कुछ नहीं, शून्य। बीजापुर में सम्माननीय हमारे प्रत्याशी जो है वो 6 अक्टूबर को शिकायत करते हैं जाकर के, वो 27 अक्टूबर को शिकायत करते हैं जाकर के, वो 2 नवम्बर को शिकायत करते हैं जाकर के, वो 10 नवम्बर को शिकायत करते हैं जाकर के कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, हमको ईवीएम के नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। 24 नवम्बर की तरह ही मुख्य निर्वाचन आयोग को शिकायत की जाती है। सुनील चौधरी जी बीजेपी की तरह ही, आपकी तरह ही सीएम भूपेश बघेल भी यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, हमारे शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, उनका तो ये कहना है। दोनों तरफ से जो है आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूं, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए। भाई आप लोकतंत्र में आपको विश्वास है तो आप लोकतंत्र के जो उसको बचाने का काम करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक ओर तो आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं, दूसरी ओर बोलते हैं कार्रवाई नहीं हो रही है और अधिकारियों को दबाव डाल रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनके संरक्षण में यहां पर इस प्रकार का जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं।
हमने भी ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके रखा हुआ है, हमने भी देखा है कि अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों की सूची भी हमने बना करके रखी हुई है। आप देखिएगा, आप देखिएगा, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई निर्वाचन आयोग यदि नहीं करता है तो कोर्ट है ना, संवैधानिक संस्था है ना, कोर्ट है। यदि हमारे खिलाफ कुछ होता है, यदि लोकतंत्र के खिलाफ कुछ होता है तो हम कहाँ जाएंगे? हम निर्वाचन आयोग जाएंगे तो कोर्ट जाएंगे, उसके लिए हम स्वतंत्र और हम जाएंगे। और देश में कहीं पर भी होता है तो दलों को और व्यक्तियों को जाना चाहिए। सुनील जी, आपने कहा कि ऐसे अधिकारियों को हमने चिन्हित किया है जो कि अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, कुछ अधिकारियों के नाम लेंगे आप? बिल्कुल, समय आने पर सारे नाम पता चल जाएंगे आपको। वो तो सब लोगों ने देखा है, वो तो सब लोगों ने देखा है कि कौन से अधिकारी जो है धनवानी जी, धनवानी जी, मैं सवाल कर रही हूं, उन अधिकारियों को पता और भाजपा का हवा में बात करने से सुनील जी, भाजपा का मैदान में था वो देखा है बूथ में किस प्रकार से। देखिए, ऐसे तो हवा में बात करने वाली बात हो जाएगी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्या प्रमाण है कि पिट्ठू की तरह अधिकारी जो है वो काम कर रहे हैं? कुछ प्रमाण भी होना चाहिए अधिकारियों के। मैंने आपको नाम लेने को बोला, कुछ नाम बता दीजिए, ऐसे हवा में बात हो जाएगी फिर, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि जो पार्टी हार जाती है वो स्पष्ट रूप से है जी। हमने शिकायतें की है स्पष्ट रूप से है। एकाध अधिकारियों के नाम भी ले दीजिए। आपने हमारी शिकायतों को यदि देखा होगा तो हमने नामजद शिकायत की है, हमने नामजद शिकायत की है, सारी शिकायत निर्वाचन आयोग के पास है, वो संवैधानिक संस्था है, जांच कर रही है, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इतना ही तो कह रही है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि किसी को आकर के आप भाजपा के कार्यकर्ता बन के काम करो। कांग्रेस चाहती है कि अधिकारी उनके कार्यकर्ता बन के काम करें, भारतीय जनता पार्टी चाहती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से काम अधिकारियों को करना चाहिए वैसा उनका चरित्र हो, ना कि आप पिट्ठू बन जाए। आप कह रहे हैं कि भूपेश सरकार के जो अधिकारी हैं वो पिट्ठू हैं और भूपेश बघेल के दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आईडीईटी से बड़ा दबाव क्या है जो दबाव वो महसूस कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल? मैं इनको वही बताना चाह रहा हूं, इनको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं और हमको है, इसलिए तो हम जा रहे हैं निर्वाचन आयोग और इसलिए हम कोर्ट जाने की भी बात करते हैं। हमें पूरा भरोसा है इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं पर, इनको भरोसा नहीं है। ये तो हार रहे हैं चुनाव 3 तारीख को, देखिएगा कि इनकी स्थिति खराब है। अब ये ढूंढ रहे हैं कि किसके सर पे ठीक है बात भरोसे की, चलिए ठीक है। भूपेश बघेल ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पीसी रज्जी भी हैं, पीसी रज्जी ठीक है, ठीक है, सरकार भाजपा की बनेगी छत्तीसगढ़ ठीक है। पीसी रज्जी, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना कि बैलेट पेपर और मतगणना में गड़बड़ी की आशंका है। दोनों राजनीतिक दल इस तरह से आरोप अभी भी लगा रहे हैं और पहले भी लगाते आए हैं चुनाव में। एक तो ईवीएम पे सवाल उठाना, एक तो मतगणना के प्रोसेस को कहीं ना कहीं अधिकारियों या सत्ता के संरक्षण में बायस होके चलने के आरोप लगते रहे हैं पहले भी। अब 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे उससे बहुत कुछ स्पष्ट होगा कि जनता का फैसला किसके पक्ष में गया है। असली बात यह है कि जहां जहां पर भी प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया में आपने देखा होगा, इसके पहले भी चुनाव जहां जहां देश के अन्य राज्यों में हुए हैं, कई जगह ईवीएम पकड़ी गई है, कई जगह ईवीएम के जखीरे बरामद हुए हैं, कई जगह ऐसा हुआ है कि प्रत्याशी या वो जो मतदान अधिकारी हैं वो भी ईवीएम के साथ रात में भी पकड़े गए हैं अलग अलग जगहों पे, ऐसे कई वीडियो आते रहे हैं सोशल मीडिया में, तो ये शिकायतों पे। लेकिन चुनाव आयोग की सख्त कार्यवाही का हम लोगों को अब तक के वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अब हो सकता है कि इस चुनाव में शायद, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का चुनाव है जहां पर गैर भाजपाई सरकार है, और इसमें अगर कार्यवाही होती है तो कम से कम एक मैसेज आएगा कि यहाँ चुनाव आयोग कार्यवाही करता है और दिखेगा। और उसमें दोनों तरह के, बालाघाट का जिक्र कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता जो है, वहां पर मामले में शायद कुछ कार्यवाही होनी शुरू हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जो प्रक्रिया है उसके तहत शिकायतें की जानी चाहिए और उस पर कार्यवाही करने का लोग इंतजार तो करेंगे। चुनाव आयोग तुरंत न करे लेकिन 2-4 दिन 5 दिन उसके पास समय है जिसमें वो कार्यवाही कर सकता है। अभी चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनानी है। देश में समय समय पर चुनाव आयोग पे इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं, तो अब देखने वाली बात है कि 3 तारीख को मतगणना के बाद क्या होता है और उसके बाद ही राजनीतिक स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है, गंगवानी जी कुछ कह रहे थे आप। कविता जी, मेरा निवेदन है सुनील से कि मैं बोलूं तो डिस्टर्ब न करें, बिल्कुल नहीं करेंगे, पर्दाफाश। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, बिंदु और बात करता हूं। सबसे पहले
आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, इनके वरिष्ठ नेता इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर चुके हैं कि 3 दिसंबर को ये बुरी तरह हारने वाले, ये दहाई कार्य तक नहीं पहुंचेंगे। अधिकारियों का दुरुपयोग करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। देखिए मेरे मित्र अभी एक छोटी सी बात कर रहे थे कि हमने अधिकारियों की सूची बनाई, आपने स्पष्ट उससे पूछा कि भैया 4-5 अधिकारियों को तो नाम मिली थी, हवा में बात करना ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और ये देखिए सुनील चौधरी डायरेक्टली आज अधिकारियों को धमकाने का प्रयास करें, ये चरित्र सुनील चौधरी का नहीं है, ये चरित्र अजय चंद्राकर का है। 2 से 3 दिन पहले अजय चंद्राकर जी का बयान सुन लीजिए कि कोई भी सत्ता परमानेंट नहीं है, अधिकारी समझ ले, उनको धमकाने का प्रयास किया गया। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वो अधिकारियों को धमकाने का प्रयास करते रहे। तो अधिकारियों का मिसयूज करना, उनपे दबाव डालना, उनको धमकाना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। दूसरा मैं 2 चीजें और स्पष्ट कर दूं, जब किसी भी राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होती है, पूरे अधिकार लगभग राज्य चुनाव आयोग के पास होते हैं, राज्य चुनाव आयोग सीधा सीधा केंद्रीय चुनाव के अधीन है। अगर दो पहले आप भी देख लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं कविता जी, चुनाव के ठीक पहले कुछ कलेक्टर, कुछ एसपी, कुछ वरिष्ठ अधिकारी, उनको परिवर्तित किया गया, उनके जिले का ट्रांसफर किया गया, जिनमें थी अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्यों नहीं थी, पहली बात। दूसरी बार अगर बीजापुर के आप कलेक्टर पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, 7 नवंबर को वहां पे चुनाव हुआ, 7 से लेकर 24 इनके द्वारा कंप्लेन 24 नामों को दर्ज की गई, 17 दिन तक आप सोते रहे, 17 दिन के बाद आपको स्वप्न क्यों आता है। दूसरी बात 16 तारीख को आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन करते सवाल ही, तो 16 से 24 7 दिन क्यों सोते रहे। देखिए महत्वपूर्ण कारण ये कविता थी, कहीं ना कहीं इनके जो पाटन से विजय बघेल है जिन्हें बलि का बकरा बनाया है, इनके बीच इनके प्रत्याशी अमित जोगी को इनको मदद के खड़ा किया गया है कि ताकि दोनों मिलके भूपेश बघेल जी को वोटों का नुकसान पहुंचा सके, दोनों मिलके भी। लेकिन भूपेश बघेल ने तो कह दिया है नहीं है, बुरी तरह हारने वाले तो हार का बहाना खोज रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कह दिया कि रिश्ते में हम बाप लगते हैं जी, सीएम भूपेश बघेल ने कह दिया कि हम रिश्ते में बाप लगते हैं। देखिए ये उनका आत्मविश्वास है। मैं एक छोटी सी और स्पष्ट कर दूं, अगर चुनाव आचार संहिता की बात कर रहे हैं, हमने देखा छत्तीसगढ़ में कविता जी, अमित शाह जी ने आज अपनी सभा में जिस प्रकार से हेट स्पीच दी, धार्मिक और सामाजिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया, इनके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सभा में सीधा हिंदू मुस्लिम की बात करते रहे, धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते रहे, हम चुनाव से कंप्लेन करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अकलतरा के इनके जो प्रत्याशी है सौरभ सिंह, छोटे और नाबालिग बच्चों से धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण का बयान दिलवाते हैं, इससे आपत्तिजनक कोई बात हो सकती है, हमने उसकी कंप्लेन की, कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती। मध्य प्रदेश की बात कर लो, छतरपुर जिले में हमारे कांग्रेसी नेता की आज इनके विधायक के क्लोज लोग कुशल का हत्या कर देते हैं, हम चुनाव में कंप्लेन करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो चुनाव का उल्लंघन क्या है और सच्चाई क्या है, ये दो अलग अलग पहलू हैं जिसको केंद्र की सरकार और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता समझने के तैयार नहीं है। तो कार्रवाई अगर चुनाव आचार संहिता पे आप उंगली किसको उठा रहे हैं, अगर आप भूपेश बघेल जी की बात करें 16 की, तो क्या आप संवैधानिक संस्था चुनाव पे उंगली उठा रहे हैं, आप कांग्रेस से क्या आपत्ति मुझे बता दीजिए। अगर आपने 16 में की तो चुनाव ने क्या कार्रवाई की, क्या आपने उसको फॉलो किया, तो ये सिर्फ और झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास न करें। जब सेकंड आखिरी कॉल दूंगा, ईडी आज आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को 508 करोड़ की रिश्वत का झूठा आरोप लगाने का प्रयास किया गया, साजिश और षड्यंत्र किया गया, असीम दास ने 10 पन्ने का पत्र लिखा आज ईडी को कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं, मुझसे जबरदस्ती मुझ पर दबाव पूर्वक जानबूझकर साइन कराएगी, मैं न भूपेश जी को जानता हूं न वर्मा जी को जानता हूं, मैंने किसी को कोई पैसा नहीं पहुंचाया। तो ये पूरा स्पष्ट है कि ईडी के माध्यम से एक पटकथा लिखकर हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र किया गया। तो लोकतंत्र की हत्या का दुरुपयोग करना, ईडी आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी ने कानून लेकिन कार्रवाई नहीं हुई जी, तमाम शिकायतें हमने भी की, हमारे कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सम्माननीय नेताओं प्रवक्ताओं को यह बात समझ लेनी चाहिए कि चुनाव आयोग ना भाजपा का है ना कांग्रेस का है, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। आपको भी शिकायत करने का अधिकार है, हमको भी शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन जब हम शिकायत करते हैं तो इनको दर्द क्यों होता है ये समझ नहीं आता। और ये कह रहे थे आप इतने दिन सो रहे, भैया मैं तो बताया बीजापुर में 6 तारीख को शिकायत हुई, अक्टूबर में 27 को हुई, 2 को हुई, 10 को हुई, उसके बाद 24 को यहां आकर राज्य निर्वाचन आयोग में हुई, पाटन में भी वहां पर हुई, जिला स्तर पर जब नहीं सुना गया तो राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत हुई। तो लगातार शिकायतें हो रही है। और ये कह रहे थे अधिकारियों को धमकाने की बात, माननीय इनके विधायक बृहस्पति सिंह जिन्होंने आरोप लगाया था कि इनके उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा उनको मरवा देंगे, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, आप सुने होंगे कि किस प्रकार से डिप्टी कलेक्टर से गाली गलौज कर रहे थे, उसके बाद
मुख्यमंत्री जी खुद कैसे पटवारियों को कैसे धमका रहे थे भरी सभा में, इनके मंत्री किस प्रकार से अधिकारियों को धमकाते थे वो भी सब लोग देख रहे थे, इनके विधायक, इनके नेता, इनके महापौर के एक रिश्तेदार तो तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा, जानता नहीं क्या मेरे को, ये डायलॉग मारते थे। तो ये अधिकारियों की बात कर रहे हैं, हम निष्पक्ष अधिकारियों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, हम ऐसे अधिकारियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के उनका पिट्ठू बन के काम किया है। और रही सही पाटन की बात, तो पाटन के विषय में भी लड़ाई लंबी है, दूर तक जाएगी, जब शिकायत हुई है तो जब तक अंतिम कार्यवाही नहीं होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और मैं बता दूं, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनकी सरकार जाने वाली है, क्यों? क्योंकि इनको कोई पसंद ही नहीं किया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया, मन बना लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों को छल दिया। सुनील जी, कांग्रेस तो ये कह रही है, सुनील जी कांग्रेस तो ये कह रही है, नकली शराब पिला, सुनील जी कांग्रेस तो ये कह रही है कि ढाई के अंत तक बीजेपी नहीं पहुंच पाएगी, चाहे अमित शाह आ जाए, चाणक्य, चाहे मनसुख मांडविया आ जाए, इतने ही विधायक बना पाएंगे आप लोग, जितने विधायक सिर्फ इतने ही जीत रहे हैं, जितना सरकार बनाने के लिए दुगने से तिगने की जरूरत पड़े। बहुत अच्छा प्रश्न आपका कविता जी, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वही वाली बात है। अब कौन दहाई जाएगा, कौन क्या जाएगा, वो तो 3 तारीख को आपको भी, मेरे को भी और सबको पता चलने वाला है। लेकिन इतनी बात तय है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में हम सब आपको आमंत्रित करते हैं, आप सबको आमंत्रित करते हैं, आपके सभी दर्शकों को आमंत्रित करते हैं, ठीक है। मिठाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बढ़ने वाली है, समय की कमी पीसी जी के पास चलेंगे, विदाई तय है, ये भी बात तय है, समय की कमी पीसी जी के पास, इनको नकार चुकी है, ठीक है, ठीक है, भ्रष्टाचार देख चुकी है, इंतजार के लिए 29 तारीख हो गई है, 30-1-2-3 दिन का और इंतजार बाकी है, ठीक है, का घोषणा पत्र लाते हैं, ठीक है, उसके पहले पीसी रंजी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जीत जाए या कांग्रेस जीत जाए, ये लोग आरोप लगा दे चुनाव आयोग पर, अधिकारियों पर, कि इसको इसने जिता दिया, इसको इसने जिता दिया, कोई एक पार्टी तो जीतेगी ही। जी लोकतंत्र में यही है कि जिताने का काम जनता का ही है जी, लेकिन मान नहीं रहे हैं ना, सिर्फ एक कार्य प्रणाली निर्धारित करता है, एक व्यवस्था बनाता है, और उसकी व्यवस्था पे अलग अलग सवाल उठाने का हक तो है राजनीतिक दलों को, लेकिन अंततः जनता ही फैसला करती है, और जनता, भारतीय जनता जो है वो सबको मौका देती है और सबके परिणाम से अपना अवगत करा देती है, क्या काम करके दिखाया है। तो राज्य सरकार का काम अगर पसंद आया होगा इन 5 सालों में तो जनता उसको मौका देगी। और उसके बाद रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी ने जिस तरह से अपनी अभी छवि बनाई है अब तक के, उसमें क्या उसको मिलता है ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के सवाल ये उठता है कि क्या हम जनता को लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह बना पाए हैं, क्या जनता में जागरूकता ला पाए हैं कि चुनाव होते किस लिए हैं, चुनाव होते हैं जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, क्या हमारे प्रदेश की जनता को, और खासतौर पे मैं तब कहना चाहूंगा जब प्रदेश में, छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार ज्यादा है, हम लोग बहुत सारे जिले ऐसे जहां पर महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, तो ऐसे जिले में जनता अपने घर से, जमीन से जुड़े सवाल को लेकर के ज्यादा जागरूकता का परिचय देगी, ऐसा हम महसूस करते हैं कि शायद इस चुनाव में उसकी वानगी देखने को मिले। मतदान में तो जो आया है सो आया है, लेकिन जनप्रतिनिधि चुनने में शायद छत्तीसगढ़ की जनता और ज्यादा समझदारी का परिचय देगी, ये 3 तारीख को ही हमें पता चलेगा, और लोकतंत्र के इस पर्व में हम जो परिणाम है वो 3 तारीख को ही प्राप्त कर पाएंगे। तब तक के सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा सकते हैं जो राजनीतिक दल लगा रहे हैं। बिल्कुल, एक एक लाइन में आप दोनों जवाब दीजिएगा, पहले अजय गंगवानी जी। आप देखिए कविता जी, बहुत अच्छा उदाहरण दे दो, छत्तीसगढ़ का किसान आधार नहीं बेच रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी, और पिछले बार 2 घंटे के अंदर में 20 लाख किसानों की 10 हजार की ऋण माफी की, उनको पूरा भरोसा है कि 3 दिन के बाद फिर से सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी होगी, 3200 रूपये में उनका धान खरीदा जाएगा, इसके अलावा प्रति एकड़ में 20 क्विंटल की धान खरीदी हो रही है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, ये छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ की महिला, छत्तीसगढ़ का युवा, छत्तीसगढ़ का आदिवासी ये समझता है कि इन 5 सालों में भूपेश की सरकार ने उनके न्याय के लिए काम किया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया, उसी विश्वास के भरोसे हम जानते हैं कि 3 दिसंबर को हम सेमीफाइनल में जीतेंगे, अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव जीत के देश का फाइनल भी जीतेंगे। कविता जी ठीक है, लास्ट कॉमेंट सुनील चौधरी जी जल्दी से।
देखिए हमारे लिए तो सभी फाइनल होता है, कोई सेमीफाइनल नहीं होता। हमारे लिए 2023 भी फाइनल है, 2024 भी फाइनल है, तो हम तो फाइनल ही जीतने वाले हैं। और मैं इनको बता दूं कि किसान इसलिए रुका हुआ है क्योंकि 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 के हिसाब से आपसे 1100 रुपए ज्यादा उनको मिलने वाला है और पिछले दो वर्षों का बोनस भी 25 तारीख को मिलने वाला है, इसलिए किसान रुका हुआ है। इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखिए। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। इनको भय उत्पन्न हो गया, अब ये ढूंढ रहे हैं कि किस पर ठीकरा फोड़ा जाए। ये को ढूंढने लगे ठीकरा कहां फोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिशत बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जनता ने विश्वास किया है। धान वाले मामले में बोलूंगी कि कांग्रेस कह रही है कि ठगने के उद्देश्य आपने घोषणा किया है, बाकी के राज्य जो 28 राज्य है वहां क्यों नहीं ये आपने रखा है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1200, मध्य प्रदेश में 1500, गुजरात में 1200 से 1400, ये कांग्रेस से सवाल उठाए हैं। जल्दी से जवाब क्लोज करना। कांग्रेस जो भी सवाल उठाए, छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब मिल गया है और कांग्रेस को जवाब छत्तीसगढ़ की जनता दे। हमने छत्तीसगढ़ के विषय पर जो वादा किया है उसको दिसंबर माह से ही पूरा करना शुरू कर देंगे। दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आएगा। दिसंबर आप तीनों को बहुत ही शुक्रिया। अजय गंगवानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुनील चौधरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया और पीसी जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए। तो बात छत्तीसगढ़ की इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।